Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we're going to move on to number 6, how to speak English. ठीक है? आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो इस तरह है कि जब आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलनी आ जाए तो आपने उसके लिए और इंप्रूव करने के लिए क्या करना है. तो इसका टाइटल होगा टॉक टू योर सराउंडिंग्स. ठीक है? टॉक टू योर सराउंडिंग्स, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, याद रखो ओ यू एन डी आई एन जी. ठीक, याद रखिए आपने करना क्या है. करना ये है कि जब आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आ जाए तो अब आपने क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, किस तरह? ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको बताया था पहले कुछ लेसन में कि हम जब लेसन खत्म हो जाता है तो क्लास से निकल जाते हैं तो गई इंग्लिश. अब किस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है? Talk to your surroundings, थोड़ी थोड़ी बातें करो. किस तरह? एग्जाम्पल, यानी डॉक्टर के ऑफिस में हो, चीजों को देख के बात करो. आप प्रिंसिपल के ऑफिस में हो, वो नहीं है वहां पे, चीजों को देख के. मॉल में हो, कहीं भी हो. किस तरह? एग्जाम्पल देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में बैठे हुए हो. ठीक है, और आप अपने क्या करो, ऐसे करके छत की तरफ देखो, यानी सीलिंग की तरफ, और बातें शुरू हो जाओ. ओके, द कलर ऑफ द सीलिंग इन माई रूम इज व्हाइट एंड आई हैव वन फैन एंड फोर लाइट्स. राइट, द वॉल्स द कलर इज ऑफ व्हाइट, राइट. Right, and I don't have a carpet in my room because I like tiles, and my window it needs curtains because I think I'm going to put blue curtains in there, right? And my pillow is getting old, so I think I need to get a new pillow and maybe put a new computer in my room because the old one is out of date. So I'm going to get a laptop, a nice laptop will really look nice in there. कोई चीज़ नज़र आई है, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ, उससे भी बात. Hello, Mr. Cockroach, how are you? कोई छिपकली है, उसको को हेलो लिजर्ड हाउ आर यू, आई डोंट लाइक यू सो आई एम गोइंग टू किल यू, राइट, एंड हाउ आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ ब्रूम एंड आई एम गोइंग टू हिट यू विद अ ब्रूम एंड यू आर गोइंग टू डाई. ठीक है, इस तरह. अब चीजों से बातें करने से आपकी प्रैक्टिस हो रही है. रूम में खत्म हो गया तो ड्रॉइंग रूम में आ जाओ, हॉल में आ जाओ, किचन में आ जाओ, बाहर अपने लॉन में आके बैठ जाओ. ठीक है, यू कैन स्टार्ट टॉकिंग इन दैट लॉन. ओ दिस इज अ ब्यूटिफुल बेंच, आई लव टू सिट ऑन दिस बेंच एंड लुक एट द ग्रीन ग्रास. Looks like a carpet. Hey, look at that butterfly that is flying over there. And especially when it's sitting on that nice rose, the red rose. So many of them in my garden, right? And utho apne ghar ki taraf dekho. Oh, my house is so beautiful. It's double story. I really love, you know, the color of the house. And the second story has two windows. Baatein karni hai. Thodi thodi thodi. Maine kaha na, hum out of touch hote hain usse. Agar hum seekh bhi jaye to usko chhod dein. लेकिन याद आपने ये रखना है कि एक बार आपको इंग्लिश आ गई, ठीक है, फिर वो जाएगी कहीं भी नहीं, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो कभी जाती नहीं है. लेकिन अगर आ जाए, जैसे आपकी उर्दू जो है वो कभी भी नहीं जा सकती. किस तरह? आपको अगर किसी जजीरे पे, आइलैंड पे छोड़ दिया जाए और 20 साल हम वहां आए ही ना, ठीक है, और सीक्रेटली वहां पे रोज रात को हम खाना फेंकेंगे किसी तरह, तो आप जिंदा रहें और किसी से बात ना करें, तो अगर 20 साल के बाद भी हम वहां आएंगे ना, तो आप आगे से ये नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे, आप बात करोगे, ओ भाई तुम लोग कहां थे, मैं तो 20 साल से यहां फंसा हुआ हूं और अब मुझे तुम लोगों ने बचा लिया. यानी जुबान कहीं नहीं जाएगी, वो बोलनी आती रहेगी. तो इसलिए आप लोग एक बार ये दो, मैंने कहा ना बड़ी हद 2 महीने इन चीजों की दिल लगा के प्रैक्टिस करो, फिर देखो अगर इंग्लिश ना आए. अभी भी 2 रूल रहते हैं, ठीक है. तो ये क्या रूल था कि आपने सराउंडिंग से बातें करनी है, यानी दीवारों से, इधर उधर चीजों से प्रैक्टिस करो बातें करने की, सो यू कैन इंप्रूव इंग्लिश. नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो हम एक और रूल आपको बताएंगे. अल्लाह हाफिज़.